गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना, वो स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर द मोल कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो लास्ट के चैप्टर में हमने मोल कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करना है, केमिकल फार्मूला और ये सब डिटेल्स जानी थी, और इनको कैसे लिखना है इन सब के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो वेट कैलकुलेशन है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वेट के टर्म्स में एक कैलकुलेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, फॉर एग्जांपल द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द फॉर्मूला वेट ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन का आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका जो भी फॉर्मूला वेट होगा, जो उस आयन का फॉर्मूला वेट होगा, आपको उससे क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है जो भी उसके ऊपर चार्ज है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द OH माइनस आयन निकालना है। तो अब देखते हैं इसका टोटल जो फॉर्मूला का वेट क्या होगा। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, हाइड्रोजन का जो है 1.008 है। तो आपने क्या किया, इन दोनों का सम कर लिया, तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास। अब आते हैं और इसको डिवाइड करेंगे 17.008। अब वैलेंसी क्या है OH माइनस आयन पे 1, तो यानी इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या हो गया, 17.008 ग्राम हो गया। अब बात करें कैल्शियम प्लस 2। अब आपको मालूम है हम इस तरीके से लिखते हैं, कैल्शियम प्लस 2 आयन इज 40.08। अब कैल्शियम का मोलर मास जो है वो 40 होता है। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस 2 चार्ज है, आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास कैल्शियम आयन का क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो कॉम्प्लेक्स आयन के केस में आप क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट द टोटल वेट और एटॉमिक मास और उसको उसके वैलेंसी फैक्टर से या चार्ज से डिवाइड कर देंगे, आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन का ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एसिड के केस में क्या करते हैं। एसिड के केस में द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज द वेट ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन। यानी किसी एसिड का अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, उस एसिड में प्रेजेंट नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, यानी कि उसमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। यानी बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन। सो बेसिसिटी टर्म्स इन टू द नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन इन वन मोल ऑफ एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, चलिए हमने आपको एक एसिड दे दिया, दैट इज HCl। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, वन मोल ऑफ HCl, तो वन मोल ऑफ HCl मोलर मास काउंट करेंगे, क्या हुआ, हाइड्रोजन 1.008 प्लस 35.453, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास आ गया हमारे पास HCl का, That is 36.461। अब बेसिसिटी क्या है, अगर हम बात करें HCl की, तो यहाँ पे रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब सपोज करते हैं हम दूसरा दिया हमने एग्जांपल आपको, H2SO4 दे दिया हमने, तो व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का आप अगर मोलर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का है आपका, आपको यहाँ मालूम ही है
1.008 है, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 98.078 ग्राम हो जाएगा। आप देखते हैं H2SO4 में कितने रिप्लेसिबल हाइड्रोजन है। अब रिप्लेसिबल हाइड्रोजन काउंट करने के लिए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम आगे, अभी एग्जांपल में हम चेक करेंगे उसको। सो अभी आपके H2SO4 में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि रिप्लेसिबल हो सकते हैं, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई, तो आप H2SO4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे हमने H2SO4 को क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने HCl को 1 से डिवाइड किया। अब सेम क्वेश्चन आ जाए कि अगर H3PO4 आपके पास एसिड है तो इसकी बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो आपके पास हाइड्रोजन है वो कितने होंगे। अब आप देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो यहाँ हाइड्रोजन तो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, तो अभी हम चेक करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें से आसानी से रिमूव हो जाएगा, एच प्लस आयन यहाँ पे भी ये केस कंसीडर करेगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी ये केस कंसीडर करेगा, यानी H3PO4 जो एसिड है इसकी बेसिसिटी या नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 3 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे आप इसका मोलर मास निकाल के इसका H3PO4 का उसको 3 से डिवाइड करें, ठीक है। अब सेम आता है H3PO3 की बेसिसिटी क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 3 है बट इसकी बेसिसिटी 2 है, कैसे, H3PO3 ये रहा आपके पास H3PO3, तो आप देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब आप देखिए कि सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हायर होती है जिसकी वजह से H प्लस आयन इजिली रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ इसकी केस की बात करें तो फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है जो हाइड्रोजन को जाने दे, यानी कि यहाँ पे रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, यानी यहाँ इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आते हैं H3PO2, तो आप देखें यहाँ पे इसकी बेसिसिटी सिर्फ 1 होगी, ये वाला 1 होगा, रीजन इज दैट सेम थिंग है कि फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की इतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस हो यानी रिप्लेसेबल हो सके, यानी अब आपके पास यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ 1 है, तो इस केस में आपकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एसिड की 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे हम बेसिसिटी काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है बेस, अब आपने एसिड देख लिया, सेम जो है वो रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे OH माइनस आयन काउंट करते हैं। अब देखिए क्या है, द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इज द वेट ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वेट लेंगे टोटल जो भी उसका मोलर मास होगा आपके बेस का, और उसमें नंबर ऑफ OH जो कि रिप्लेसिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस आयन इन 1 मोल ऑफ एन बेस। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपको NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपने देखा यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, यानी कि यहाँ पे कितने रिप्लेसिबल OH आयन हैं, यहाँ पे 1 है। तो अभी आपने देखा कि आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो NaOH का क्या, सोडियम हो गया आपका 23, ऑक्सीजन 16 और 1, तो ये हो गया 40 हो गया, 40 को 1 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन कितने हैं, 1 है, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट किसका आ गया, NaOH का, दैट इज 40 आ गया, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसिडिटी ऑफ द बेस से, किसको, रिप्लेसेबल जो है आयन होते हैं। नेक्स्ट है अगर हम बात करें यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, तो अभी हम देखते हैं अगर हमने इसको डिसोसिएट किया तो क्या आ जाएगा, Mg प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस, ये हो जाएगा,
ठीक है, तो MgOH में जो रिप्लेसेबल OH माइनस आए हैं वो कितने, दो हैं, तो आप MgOH का टोटल मोलर मास लिखेंगे, और क्योंकि दो यहाँ पे OH माइनस आयन है इसलिए आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है कि जिसमें दोनों रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे कैसे। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी आपका मोलर मास है उसको क्या कर देंगे, जितने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। सेम चीज रिड्यूसिंग एजेंट में हो जाता है, तो क्या है करेंगे अब आप लॉस बाय मॉलिक्यूल और आयन, यानी आप कंपाउंड का मोलर मास लिखेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काउंट हो जाएगा। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो डेफिनेशन क्या हुई, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल्स टू इट्स फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस व्हेन द रिएक्शन अकर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ है उससे आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल इन अ गिवन रिएक्शन MnO2 इन HCl, ये आपका MnO2 है, HCl के साथ रिएक्शन करके MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H2O प्रोड्यूस कर लेता है। तो अभी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2 इन दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में MnO2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो अभी हम देखते हैं Mn हैज द वैलेंसी ऑफ +4 इन O2। अब O2 इस कम यहाँ पे आपने MnO2 में Mn पे जो +4 की वैलेंसी है, ठीक है। अब आते हैं कि जब MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करके MnCl2 में आ जाता है तो Cl पे एक पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है इंटू टू, तो -2 हो गया। तो अब यहाँ पे कितनी वैलेंसी है MnCl2 में, यहाँ वैलेंसी हो गई 2 की, +2 की। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया, ठीक है, +4 थी और +2 हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो MnO2 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट आपको, ठीक है, तो MnO2 का जो भी फॉर्मूला वेट होता है, यानी दैट इज 86.94, जो चेंज इन वैलेंसी हुआ है, अब चेंज इन वैलेंसी क्या हुआ है, 2 का हुआ, उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास MnO2 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है को ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट काउंट करते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। अब अभी आपको एसिड दे दिया, बेस दे दिया, आपको आयंस बता दिए, आपको ठीक है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कैलकुलेशन बता दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे काउंट करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट इज इक्वल टू इट्स फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर जो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ए कैटायन और एनायन, यानी कि किसी भी एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सॉल्ट NaCl ले लिया हमने, ठीक है, तो NaCl का जो भी मास होगा आइदर कैटायन पे जो चार्ज है या फिर एनायन पे जो चार्ज है उससे आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट मोलर मास डिवाइडेड बाय आइदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट दे दिया हमने आपको, Na2CO3,
तो Na2CO3 को अगर हम आयनाइज करें तो वो किसमें आयनाइज हो जाएगा, 2Na निकल लेंगे पॉजिटिव कैटायन और CO3-2 एनायन निकलेगा। तो यानी यहाँ पे टोटल पॉजिटिव इस पे कैटायन पे चार्ज क्या हो गया भाई, +1 होता है सोडियम पे और 2 सोडियम के मोल है, यानी यहाँ क्या हो गया चार्ज टोटल +2 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो भी आपका सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट का मास आया उसके साथ 2 को डिवाइड कर दिया, इट विल बी अ 53 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सॉल्ट के केस में क्या करते हैं, आइदर द चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन, इसे आप डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। अब बचा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैसेस, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैसेस, द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय द वैलेंस। अब हम अगर हम बात करते हैं तो वैलेंसी तो आपने देखा हर जगह वैलेंसी है, आइदर वो चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन हो रहा है या कैटायन पे है एनायन पे है, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप स्टडी करते हुए। फिलहाल अभी देखते हैं कि गैस के केस में क्या करते हैं, इन केस ऑफ गैसेस एन फैक्टर इज डिफाइंड एज H+ और OH- आयन डज अ कंपाउंड रिएक्ट। यानी अब आपको देखना है कि अगर कोई गैस है तो गैस के केस में क्या करेंगे आप, उस गैस को या तो H+ आयन के साथ या OH- आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन ए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। और आप देखेंगे कि आप देखिए कितने मोल उस गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ अगर हम CO2 ले और OH- आयन के साथ रिएक्शन कराएं तो बनेगा कार्बन CO3-2 और H2O। आप रिएक्शन वैलेंस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ OH- आयन चाहिए, यानी यहाँ पे 2 हो गया। नंबर ऑफ एन फैक्टर डिफाइंड इज द H+ आयन टोटल नंबर और OH- आयन कितने नंबर आयंस के साथ वो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2OH- आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका मोलर मास इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44/2, दैट इज 22। ठीक है, तो एक और तरीका, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक जैसे O2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, कि एक ही एटम से बनी हुई जो भी गैसेस है उसको आप, ये शॉर्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया है, उसका जो एन फैक्टर है यानी नंबर ऑफ H+ या OH- आयन के साथ रिएक्शन करना है वो क्या होता है, 1 होता है एन फैक्टर। और डायटमिक गैसेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल CO2, H2S, वहां आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, हमेशा वहां पे 2 होता है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना सीखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। चलिए अब आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है NaCl का, K2SO4 का, Ca3PO4 के होल ट्वाइस का, ये आप कैलकुलेट करेंगे और अपने आप को एक बार चेक करेंगे कि आपको कितना इंफॉर्मेशन गेन हुआ है, आपने कितना सीखा है कैलकुलेट करना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर आप पेरियोडिक टेबल से गो थ्रू हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है इन कंपाउंड्स और एज फ्री। अगर ये आयनिक फॉर्म में है
whether they are in ionic form or whether they are in a compound form. Group 1 ke elements jitne hai, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So unka oxidation state kya hoga? 1 hoga. For example, NaCl, sodium ka oxidation state kya hai? Plus 1 hai. K2SO4, तो K2SO4 में K पे भी प्लस 1 होता है. यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा K has an oxidation state of plus 1. लिथियम फ्री आयन has a oxidation state number plus 1. लिथियम प्लस 1 पे भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 है. तो अभी आपने समझा कि आपको क्या अच्छे से कंफर्म होना चाहिए, दैट इज पेरियोडिक टेबल. तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? प्लस 1 होता है. नेक्स्ट है प्लस 2. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस 2 होगी. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम. ठीक है, तो ये रहा आपका कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस 2 होगी, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में हो चाहे वो फ्री फॉर्म में हो. तो BaCl2 में अगर आप चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस 2 है. इसी तरीके से Ca3PO4 का होल टॉइस में अगर आप देखें तो जितने भी कार्बन कैल्शियम हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस 2 मिलेगी. और अगर हम बात करें आयनिक फॉर्म में है वो, अभी हमने बात की कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अगर आयनिक फॉर्म में होंगे तो तब भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होगी. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी आयन इज इट्स चार्ज जनरली, तो जो बहुत ही ज्यादा कंफर्म थी वो हमने आपसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर दी. अब हमने आपको एक पीरियोडिक टेबल का एक रफ समरी दे दिया है. एल्यूमिनियम, बेरिलियम, तो अगर आप इस ऑर्डर में चलते हैं तो ये प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 4, माइनस 4 वेरी करती है, और इस तरफ अगर आप और जितना जितना आप लेफ्ट टू राइट चलते चले जाते हैं वो उसी प्रोपोर्शनेट, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस माइनस 4 फिर माइनस 3 फिर माइनस 2 फिर माइनस 1 और ये तो आपके इनर्ट सब्सटेंस हैं, दैट इज 0. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी आयन इज इट्स चार्ज. ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज जो है वो बताता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा हुआ है Fe+3, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर हम बात करें कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3. अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की. एनी एटम दैट इज अनकम्बाइंड एंड हैज अ न्यूट्रल चार्जेस हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंटल स्टेट. ठीक है, और अगर कोई भी एटम है जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं कर रहा है, हैज अ न्यूट्रल चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 कंसीडर की जाती है. फॉर एग्जांपल कॉपर लिखा हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अगर Fe, सिर्फ Fe लिखा हुआ है, सिर्फ कॉपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है? 0 हो गई. इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपको याद रखना है, नो चार्ज इज शोन, इट इज 0, नॉट 1 एज इज एलजेब्रा. जहां कहीं भी आपको कोई स्पीशीज रखी दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल Na लिखा हुआ है, तो आप उसे 0 कंसीडर करेंगे ना कि 1 कंसीडर करेंगे जैसे कि एलजेब्रा में किया जाता है. द एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जो भी आपको दिमाग में रखना है अपना जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं. H2O2, N2Cl2, Br2, Iodine2, F2 exist as diatomic molecules in the elemental state and have oxidation state of 0. अब आप देखिए कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है वो हमेशा डायटमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नेसेंट ऑक्सीजन आपको ऐसे मिल रही हो, ये तो हाईली रिएक्टिव होती है.
ठीक है, तो हमेशा डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इस केस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम जीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि तो रिएक्शन ही नहीं करती है बॉन्ड बनाने के लिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीजन रूल के नाम से भी जाना जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती रहती है। ऑक्सीजन यूजली हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है इन कंपाउंड, जीरो इन O2, ठीक है। और O2 के केस में, अभी हमने पीछे बात की डायटमिक गैसेस के केस में, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हम देखते हैं क्या है H2O में, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी तो क्या है? -2 है। अगर हम H2SO4 के केस में देखें तो इसके ऊपर भी -2 है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसीडर की जाती है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन के केस में ही ज्यादातर आता है। ऑक्सीजन O2 डायटमिक गैस की फॉर्म में है, इट विल बी जीरो जनरली लिखा हुआ है। अगर हमने H2O के केस की बात की वाटर मॉलिक्यूल्स की तो वहां क्या हो गया? -2 हो गया। अगर हम परऑक्साइड की बात करें तो वहां क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और केस है कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 और +2 हो जाएगी। देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो ये इस चीज को आपको, इस पॉइंट को क्या करना है? हाईलाइट करना और इसको याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइंड हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 कंसीडर हो जाती है। जबकि अभी तक आप जितने भी देखते आ रहे हैं वहां कहां कैसा है ऑक्सीजन? -2, -1 और 0 हो गया है, ठीक है। तो प्लस का केस कहां सिर्फ कंसीडर होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम FO की बात करें तो, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। F2O के केस में यहाँ पे +2 हो जाती है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ जब वो कंबाइन करता है तो प्लस में अवेलेबल होती है, परऑक्साइड के फॉर्म में जब वो कंबाइन करता है तो वहां पे क्या होती है? -1 होती है। तो ये आपको पॉइंट्स याद करना है। डायटमिक गैसेस के केस में 0 होती है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या होती है? -1 होती है। और आप इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ग्रुप 17 के जितने भी हेलोजन्स हैं उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और यही इसके ऊपर सबसे बड़ा रीजन है इसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट आते हैं द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका फायदा क्या है? अभी तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हुए आए हैं, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट? सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ कंपाउंड मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कंपाउंड इवन इट इज अ न्यूट्रल। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम देखते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि भाई आपको सीधा सा बताओ है कि एटम या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? टू गेट द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तब कब होगा? जब इस पे चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम केस की बात करें आपके NOH की, तो सोडियम पे अभी आपने देखा ग्रुप 1 पे जितने भी हैं +1 और ऑक्सीजन पे -2, ठीक है, और H पे क्या है? +1। तो 2 +1 क्यों हो गया? 1 -2 हो गया। टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। यानी आपका फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने, और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द हाइड्रोजन रूल। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजली +1। तो अगर हम H2O के केस की बात करें, तो अभी अगर हम बात करें ऑक्सीजन पे आपने पढ़ते हुए आ रहे हैं -2 हो गया, तो H+1, 2H+1 है तो -1 × 2 हो गया, सॉरी +1 है, ये अभी आपका क्या हो गया? 0 हो गया आंसर, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन क्या है? +1 है इन मेटल हाइड्राइड। अब यहाँ पे भी एक
एक्सेप्शन केस है, जैसे ऑक्सीजन में था फ्लोरीन के साथ, अगर मेटल हाइड्राइड है कोई कंपाउंड, जैसे मेटल का हाइड्राइड बना हुआ है, उस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 हो जाएगी. हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एनएफ टू ऑक्सीडाइज ग्रुप 1 मेटल्स. तो हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है ग्रुप 1 के मेटल पे, तो ये डोनर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा. तो यहाँ पे ये कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट की रिवर्स हो जाएगी, ये यहाँ -1 हो जाएगी. तो मेटल हाइड्राइड के केस में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है उस पे उसकी वैलेंसी हो जाती है -1. एलिमेंट विद मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट लिस्टेड ऑन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जो एलिमेंट जिनमें वेरिएशन मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आपको पीरियोडिक टेबल में अरेंज की गई है. कुछ एलिमेंट्स में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, डिटरमाइन बाय व्हाट अदर एलिमेंट्स दे कंबाइन विद. और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है टू गेट द स्टेबिलिटी और टू क्रिएट द केमिकल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, मैंगनीज, क्रोमियम हैव द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड. चलिए अब देखते हैं कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ फॉस्फोरस. अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं. क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड PF5. अभी हमने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पढ़ा था, क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है. और आपको मालूम है कोई कंपाउंड कब फॉर्म होगा, अभी आपने पीछे देखा, टू गेट द न्यूट्रल चार्ज. अभी हमने यहाँ देखा था कि जितना भी सम होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे हम आते हैं और जिस एलिमेंट को पूछा गया, लेट इट सपोज 2x प्लस, आपने प्लस लगाया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ये हमें मालूम नहीं है, उन्होंने पूछा है. आप देखते हैं बाकी का एलिमेंट क्या बचा है, फ्लोरीन. तो फ्लोरीन इन पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, अब क्योंकि एटम कितने हैं सबस्क्रिप्ट में, 5, तो 5 - 1 क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, +5 आ गई है. इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज पे कोई किसी टाइम पे पर्टिकुलरली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है. सो इन केस ऑफ PF5 फॉस्फोरस इज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ +5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्रेट आयन. अब जो भी आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है इसका मतलब वो उस पर चार्ज है. ठीक है, तो हमेशा 0 के जगह पे आप उस चार्ज को लिखेंगे. तो अभी देखिए, इन्होंने पूछा है नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन NO3-, N पूछा है, N को हमने सपोज कर दिया है X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम ही है, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ना ही ये परऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया यहाँ -2. कितने एटम है, 3, तो 3 - -2 इक्वल्स टू चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द नाइट्रेट आयन -1. तो आप इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये X इक्वल्स टू द +5. तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इन प्रेजेंट इन द कंपाउंड टू गेट द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट आता है क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का आप क्रोमियम में प्रेजेंट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. चलिए आप कैलकुलेट करिए, तो देखते हैं क्या है. क्रोमियम आयन का पूछा है आपने, क्रोमियम का, तो देखते हैं क्रोमियम के कितने एटम प्रेजेंट है, तो Cr2 यानी 2 एटम प्रेजेंट है. तो आपने क्या किया, क्योंकि ये क्रोमियम ही पूछा है, हमने इसको x कंसीडर किया, 2 एटम है, तो 2 - 2 प्लस ऑक्सीजन आपको पता है -2 है, कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, 7, तो 7 - 2 -2
चार्ज कितना है? माइनस टू। तो आप देख लेंगे आपके पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। तो ये नेक्स्ट है आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन एनओ थ्री। अब आपको बताना है कि नाइट्रोजन का एन एटम का एनओ थ्री माइनस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर एन बी एक्स है, ठीक है, तो ये हमने एक्स कंसीडर किया। तीन एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है, चार्ज लगा हुआ माइनस वन का, दस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन विल बी प्लस फाइव। ये अभी हमने पीछे कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट है एन थ्री एच, चलिए नाइट्रोजन का बताना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एन थ्री एच नाइट्रोजन हमें मालूम नहीं है, X हो गया, कितने एटम प्रेजेंट है 3s2x प्लस हाइड्रोजन आपको मालूम है प्लस 1 है, यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है प्लस 1 और एक ही एटम प्रेजेंट है इक्वल टू 0, N3H पे कोई चार्ज नहीं है, तो हेंस माइनस 1/3, दस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी माइनस 1/3। अब नेक्स्ट एग्जांपल है H2PtCl6। तो यहाँ उन्होंने पूछा है ये हाइलाइटेड एरिया प्लैटिनम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन का आपको पता है प्लस वन है, कितने एटम है टू है, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आपने सपोज कर लिया है, क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है माइनस वन होगा, माइनस वन इज टू सिक्स इक्व टू जीरो। तो आपके पास प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, दैट इज द प्लस फोर। अब आ गया हेक्साक्लोरो प्लेटिनम माइनस टू आयन, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, तो आपको ये कैसे करना है ये अभी देखते हैं। तो इन्होंने पूछा है प्लेटिनम का आपको मालूम होना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए आपका, देखिए आप इसे एक्स कंसीडर करेंगे, सीएल पे आपको मालूम है कि माइनस वन चार्ज है और चार्ज इधर लगा हुआ है माइनस टू, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी प्लस फोर। अब आता है आपके पास एक कंपाउंड K4FeCl6, तो उन्होंने पूछा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो अभी आते हैं, प्लस वन ग्रुप का एलिमेंट है यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आपने क्या किया फोर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन आपको मालूम नहीं है, आपने इसको एक्स कंसीडर कर दिया, इनटू सीएन माइनस वन होता है, आपने माइनस वन किया और सिक्स चार्ज लगा हुआ था इस पे एक इस तरीके से, तो माइनस वन हो गया, तो आपके पास यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है प्लस टू। सेम इज Na2FeCN5NO। अब आपके पास कंपाउंड आ गया है, ऑक्सीडेशन इन्होंने पूछा है NO की ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ हम कंसीडर करेंगे जीरो, CN पे माइनस वन चार्ज है, आयरन पूछा ये है, चलिए तो सोडियम पे प्लस वन चार्ज होता है 2s2+1, आयरन आपसे पूछा है एक्स कंसीडर, सीएन माइनस वन है और ये जीरो, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास आयरन जो है वो प्लस थ्री फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं, तो ये वाटर टेक्नोलॉजी। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बारे में बता दें, ये वाटर टेक्नोलॉजी है क्या और ये आपकी करिकुलम में हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली हमारी डे बाय डे की जो नीड है, आपको मालूम है कि हमारा अर्थ जो है वो वंस आपका 75% अर्थ जो है वाटर से सराउंडेड है, देन हमारा बॉडी का भी एटलीस्ट 72% जो पोर्शन होता है वो भी वाटर बेस्ड ही होता है, तो वाटर जो हमारा इनटेक रहता है उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को आप
कैसे टैकल करेंगे, उनकी क्या क्या मेथडोलॉजी है, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए ये टॉपिक क्रिएट किया गया है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। जनरली हम वाटर के सोर्सेज क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ से हमें वाटर की इनटेक प्रोवाइड होती है। तो सरफेस वाटर, सबसे पहला सरफेस यानी सरफेस पे मिलने वाला वाटर जिसे हम कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर हो गया। पहली बात तो प्योर फॉर्म में मिलता है बट इसमें कंटामिनेशन हो जाता है गैसेस का। अगर सल्फर या नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है आपके पर्टिकुलर एरिया में, एयर में, तो वहां पे गैसेस का डिजोल्व हो जाता है रेन वाटर में। रिवर वाटर में हाई डिजोल्व सॉल्ट होते हैं क्योंकि रन ऑफ वाटर होता है, पहाड़ों से चलता हुआ आ रहा है, तो रिवर में डिजोल्व सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो मिलते हैं जो कि मॉडरेट फॉर्म में होता है। लेक वाटर कॉन्स्टेंट कंपोजिशन होती है बट हाई ऑर्गेनिक्स होती है। लेक वाटर यानी झील का जो पानी है उसमें एक पर्टिकुलर कंपोजिशन मिलती है और वो फ्लक्चुएट नहीं होती है। ऑर्गेनिक्स मतलब जो उसमें डिजॉल्व बैक्टीरिया और ये सब जो ऑर्गेनिक्स होते हैं वो हाई फॉर्म में मिलते हैं। सी वाटर हाईली सलाइन वाटर होता है, हार्मफुल पैथोजेंस मिलते हैं और ऑर्गेनिक्स भी अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड यानी जो अर्थ सरफेस से नीचे प्रेजेंट है, यानी आप देख लीजिए स्प्रिंग वेल वाटर क्लियर होता है, बट वही चीज है क्योंकि अंडरग्राउंड से आ रहा है, माइनिंग के थ्रू आ रहा है, या स्प्रिंग वाटर आ रहा है, या सीपेज प्रोसेस के थ्रू सरफेस से वापस उसमें जा रहा है, तो उसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉल्ट होती है। दिस कंसेंट्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी, सो देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स जो एसोसिएट करती हैं वाटर से। अब आते हैं मेजर इम्प्योरिटीज पानी में क्या मिली होती है, आयनिक और डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, तो कैटायनिक में तो कैल्शियम मिलता है पानी में, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, आयरन और मैग्नीज। एनायनिक फॉर्म में यानी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट मिल सकता है, कैल्शियम का कार्बोनेट भी मिल सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट। तो कैटायनिक फॉर्म में ये इम्प्योरिटीज रहती हैं और एनायनिक फॉर्म में ये इम्प्योरिटीज रहती हैं। तो ये आपस में कंबाइन होके सॉल्ट फॉर्म में डिसॉल्व हो जाती हैं आपके ड्रिंकेबल या पोटेबल वाटर में, नॉन आयनिक एंड अनडिसॉल्व। अब इसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि नॉन आयनिक होती हैं और डिसॉल्व नहीं होती है पानी में। फॉर एग्जाम्पल टर्बिडिटी, तो पानी में जो क्लियरेंस है वो कम हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। सिल्ट हो गया, मड, डर्ट एंड अदर सस्पेंडेड मैटर्स, कलर, प्लैक्टन, ऑर्गेनिक मैटर्स, कोलाइडल सिलिका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और कुछ गैसेस लाइक दैट CO2, H2S, अमोनिया, CH4 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आता है सवाल कि व्हाट इज द पोटेबल वाटर या किस तरीके का पानी हमारे लिए अच्छा है। तो ये आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिंकेबल वाटर, या ऐसा पानी जिसे आप पी सकते हैं। तो उसके अंदर क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उनमें क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, या ऐसा पानी जो सेफ टू ड्रिंक है दैट इज नोन एज पोटेबल वाटर। तो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन शुड सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहला, जब पानी आप लेते हैं तो देखते हैं वो क्लियर है, ऑपेक्यू है और ऑडरलेस है, उसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं होनी चाहिए। प्लीजेंट इन टेस्ट होना चाहिए, यानी कि पीने में उसमें कुछ अनप्लीजेंट सा कुछ टेस्ट नहीं होना चाहिए। परफेक्टली कूल होना चाहिए, परफेक्टली कूल मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। टर्बिडिटी शुड नॉट एक्सीड 10 ppm, उसमें जो टर्बिडिटी है ये कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो टर्बिडिटी है वो 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं लाइक डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2S हो गया, अमोनिया भी आपने पीछे पढ़ा है, तो वो जितनी भी डिजोल्व गैसेस हैं दे शुड नॉट बी अवेलेबल या डिजोल्व इन द पोर्टेबल वाटर।
ऑब्जेक्शनेबल मिनरल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब आपकी जितने भी ऑब्जेक्शनेबल हैं जो हमारे ह्यूमन सिस्टम में जाके फॉल्ट क्रिएट करती हैं या बीमारियां क्रिएट करती हैं, वो आपके पोटेबल वाटर में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। पानी की पीएच जो है वो हल्का सा एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल आप कह सकते हैं भाई, बेस 7 के आसपास होना चाहिए। नहीं, ऐसा पानी न्यूट्रल वाटर कहलाता है और उसमें डिजोल्व सॉल्ट नहीं होते। सच काइंड ऑफ वाटर इज ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा पानी भी पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। रिजनेबली सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट इन द पर्पज इजिली प्रोड्यूस द लैथर विद सोप। तो क्या होता है कि जितनी हमारी डेली बेस की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वॉशिंग, क्लोथिंग, वो सब परफेक्टली हो जाती है और उसमें ज्यादा पानी का कंजप्शन नहीं होता है। फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। आप उसे कह सकते हैं वाटर बेस्ड डिजीज जो क्रिएट होती है वो उन हार्मफुल बैक्टीरिया के थ्रू क्रिएट होती है। तो आपने जो है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो आज का लेक्चर आपका यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में पानी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग है, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू क्लास।